तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए कुछ इस तरह के वीडियो लेकर आता रहूंगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको चले जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में। फ्रेंड्स, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है वोटर आईडी कार्ड। तो फ्रेंड्स, आपको अपने कीपैड से वोटर आईडी कार्ड टाइप करके आपको इसे सर्च कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे सर्च कर देता हूँ। फ्रेंड्स, सर्च करने के बाद आपके सामने ये जो पहला वाला लिंक आएगा, जो कि है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा नीचे आना है। फ्रेंड्स, नीचे आने पर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड इलेक्ट्रिकल रोल पीडीएफ का, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां से अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहां से बिहार को सिलेक्ट कर लेता हूं। राज्य को सिलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां गो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको अपने स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेना है और फ्रेंड्स यहां पर आपको अपना असेंबली सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप जिस भी विधानसभा में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना असेंबली यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा असेंबली शेखपुरा पड़ता है। चलिए मैंने यहां से अपना असेंबली सिलेक्ट कर लिया। असेंबली को सिलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहां से अपने चुनाव केंद्र को सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको यहां ये नुकीले तीर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां से आपको अपने चुनाव केंद्र को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने अपना चुनाव केंद्र यहां से सिलेक्ट कर लिया, मध्य विद्यालय बरसा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं मध्य विद्यालय बरसा में ही चुनाव करने के लिए जाता हूं। तो चलिए मैंने यहां से अपने चुनाव केंद्र को सिलेक्ट कर लिया। फ्रेंड्स, ये दोनों चीजें सिलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को फ्रेंड्स आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं टाइप कर देता हूं। फ्रेंड्स, कैप्चर कोड को टाइप कर देने के बाद आपको यहां व्यू पर क्लिक कर देना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां एक पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो फ्रेंड्स आपको यहां डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके चुनाव केंद्र का एक पीडीएफ आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको चले जाना है अपने मोबाइल फोन के फाइल मैनेजर में। चलिए फ्रेंड्स, मैं फाइल मैनेजर में चला आया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वो पीडीएफ हमारे मोबाइल फोन में यहां डाउनलोड हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपको उस पीडीएफ को ओपन कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ओपन कर लिया। अब फ्रेंड्स आपके चुनाव केंद्र के अंतर्गत जितने लोगों के भी निर्वाचन सूची में नाम होंगे, तो फ्रेंड्स उनका नाम यहां पर शो कर जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर उनका नाम उसके मकान नंबर के अनुसार शो करेगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां जिसका पहले नंबर का मकान है, तो फ्रेंड्स उसका निर्वाचन सूची में जो नाम है यहां पर शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका मकान नंबर क्या है, तो फ्रेंड्स आपको अपने मकान नंबर को ढूंढ लेना है। फ्रेंड्स, मेरा मकान नंबर है 961। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चला जाता हूं सीधे 961 मकान नंबर पर। और फ्रेंड्स, जब हम 961 मकान नंबर पर जाएंगे तो फ्रेंड्स वहां हमारा निर्वाचन सूची में नाम देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यह जरूरी है कि आपको अपने मकान का नंबर पता होना चाहिए। अगर नंबर नहीं पता है तो फिर आपको इसमें अपना नाम ढूंढने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि निर्वाचन सूची में आपके चुनाव केंद्र के बहुत से लोगों का नाम होता है, तो इसलिए आपको अपने नाम को ढूंढने में काफी समय लग जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने मकान का नंबर पता है तो फ्रेंड्स सीधे आप अपने मकान नंबर पर चले जाइए। जैसे कि देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं चला जाता हूं 961, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मकान नंबर है 961। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं मेरे मकान का नंबर आ गया और यहां पर निर्वाचन सूची का नाम हरिशंकर कुमार। तो फ्रेंड्स, हरिशंकर कुमार मेरे बड़े भाई का नाम है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम क्योंकि अभी वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, इसलिए मैं अपना नहीं दिखा सकता। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।